तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेज स्टडी पॉइंट। तो सर वीडियो हम देखने वाले हैं चैप्टर टू के ऊपर बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी जो क्षेत्रक है हमारे, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक हो गया, द्वितीय क्षेत्रक हो गया या तृतीय क्षेत्रक हो गया, ठीक है। तो इनके ऊपर में हम बात करेंगे यहाँ पर, और आपको पता ही होगा कि इनके ऊपर में हम थोड़ी सी जो बात है चर्चा वो कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इसमें आपको और भी ज्यादा डीप से जो समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राथमिक क्षेत्रक पर और उसके ऊपर में हम बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक आपको पता है कि ये जो क्रियाएं होती है ये सीधे भूमि से जुड़ी हुई होती है या तो जल से जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कृषि करना, ठीक है, तो कृषि में हम क्या करते हैं, वो जल से हम उसकी सिंचाई करते हैं और भूमि पर जो काम है वो होता है, ठीक है। मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, तो ये सभी चीजें किसमें आती है, प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत है वो आती है। इसका डेफिनेशन यहां से समझते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों से, जो प्राकृतिक संसाधन हो उसका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों यानी कि भूमि, जल, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, उसका उपयोग करते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें जो है वो आती है। अब हम अगर बात कर ले हम सेकेंड के ऊपर में जो कि है द्वितीय क्षेत्रक, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ये उद्योग से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक वस्तुएं तो होती हैं, प्राकृतिक संसाधन होता है, लेकिन उसका उपयोग करके हम कोई चीज बनाते हैं, यानी जो बेसिक यहां पर चीज होगा ना वो प्राकृतिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं, जो गन्ना है वो क्या एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उससे हमने परिवर्तित करके क्या बना दी, चीनी बना दिया या गुड़ बना दिया, ठीक है। यानी इसका काम जो है प्राकृतिक संसाधन से ही चलता है, लेकिन उसको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और ये सारी जो चीजें हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आती है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यहां पर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वह गतिविधियां आती है जो प्राकृतिक उत्पादों को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है, विनिमय प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित कर देती है। ये सारी जो विधियां हैं, गतिविधियां हैं, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, आप सबसे पहले उदाहरण है इसका कि गन्ना क्या हुआ, गन्ना कच्चा माल हुआ। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम क्या बना लेते हैं, हम चीनी बना लेते हैं या गुड़ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक संसाधन है और उसको परिवर्तित कर दिया हमने चीनी और गुड़ में। और मिट्टी, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी से हमने ईंट बना ली, ईंटों से हमने घर बना लिए, घरों से भवन का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसका जो बेस होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन, और फिर हम इसको दूसरी चीजों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक और बात, क्योंकि ये क्षेत्रक अलग अलग प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, प्रोसेस उद्योगों से जाता है, तो इसलिए इसका एक और नाम भी है और वह है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तब भी आपको इसमें द्वितीय क्षेत्र का ही आंसर लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहां पर हम नेक्स्ट के ऊपर में, जो कि हमारा तृतीय क्षेत्रक। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें सभी जो चीजें आती है ना वो सेवाएं होती है, सेवाएं यानी सर्विसेस, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर को हम भुगतान करते हैं, लेकिन बदले में हमें वो कोई वस्तु प्रदान नहीं करता, वो हमें क्या देता है, वो हमें सेवाएं प्रदान करता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये तृतीय क्षेत्र में आता है। थोड़ा और डिफाइन यहां पर डीप से समझते हैं। ये गतिविधियां या तो प्राथमिक क्षेत्र से या द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, ठीक है। इन दोनों को डेवलप करने में मदद करती है, पहले को भी और दूसरे को भी, यानी कि इन दोनों को क्या करती है, मदद करती है। ये गतिविधियां स्वयं, ये खुद से ना तो वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है, किसी प्रकार का ना वस्तुओं का उत्पादन करती है, लेकिन ये उत्पादन की प्रक्रिया में मदद जो है वो जरूर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां समझते हैं, जो कृषि है अपनी, ठीक है, कृषि हो रही है, लेकिन ये जो तृतीय क्षेत्र है कृषि में किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा, लेकिन जो ऊंचे पोस्ट पर उन लोगों को बैठाया गया है
जो क्या है, कृषक कृषि से रिलेटेड उनको ज्ञान है बहुत ज्यादा। गांव में ऐसी संस्थाएं खुली हुई है जो कि ये सिखाती है कि तुम्हें खेती बाड़ी किस प्रकार से करनी है, जिससे तुम्हारी जो फसल है वो और अच्छी उगे। ठीक है, तो वहां पर जो उन लोगों को बैठाया गया है वो वहां पर क्या देते हैं, वो वहां पर उनको सेवाएं देते हैं, जो किसान लोग हैं उनको बताते हैं कि तुम्हें ये करना ये करना, ऐसे जरूरत का भी सामान देते हैं, वो किसानों को मदद करते हैं, लेकिन वो सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय, यानी वस्तु नहीं देता उसके बजाय सेवाएं देता है, तो इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में सेवा क्षेत्र आता है तो आपको उसमें तृतीय क्षेत्र का आंसर लिखना है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम समझते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर चलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य यानी गायब, ठीक है, जो ना दिखे वो बेरोजगारी। तो दोस्तों ये कब उत्पन्न होती है, देखिए ये जब क्या है, रोजगार की कमी है। ठीक है, एक परिवार है जो कि गांव में रहता है, एग्जाम्पल से समझिए, एक परिवार है जो गांव में रहता है। ठीक है, उनके परिवार में मम्मी पापा दो भाई दो बहन ये सब है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो सारे के सारे भिड़ जाते हैं, लग जाते हैं खेती करने में। ठीक है, जबकि अगर उनके मम्मी और पापा, ठीक है, और एक भाई लग जाए, उतना ही काफी है, उतने लोग ही उस काम को कर लेंगे जितने को कर रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार लग जाता है इसमें, तो वहां पर आप देखिए जितने बंदे की जरूरत नहीं है उतने बंदे भी लगे पड़े हैं उस काम में, तो वहां पर बेरोजगारी है लेकिन दिख नहीं रही है। यानी अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि हमें लगता है कि वहां पर रोजगार हो रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं, यहां पर छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि वह कोई काम में लगा हुआ है, मतलब कि वो भी कोई काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, उस जगह पर अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। सिंपल। यहां पर समझते हैं दोस्तों एक और पॉइंट के ऊपर में, जो कि है संगठित क्षेत्र। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे समझना है। एक है आपका संगठित क्षेत्र और एक है आपका असंगठित क्षेत्र, इसको समझिए। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, संगठित क्षेत्र को आप सरकारी क्षेत्र समझिए, कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं, और इसको आप यहां पर असंगठित क्षेत्र को प्राइवेट समझिए, फिर आपको यहां पर से और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि संगठित क्षेत्र जो है वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल है, और जो असंगठित क्षेत्र है वो क्या है, वो एक प्राइवेट स्कूल है। तो यहां आप समझिए, ये उन लोगों के उद्गमों या कार्य स्थान पर आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित है। सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं जिनकी नौकरी लगी होती है, तो उनके जो रोजगार है वो नियमित है, यानी जो है वो है, और जितने दिन काम करना है उनको करना है, जो सैलरी है उनकी पक्की है। ठीक है, और वह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, और जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें सरकार का नियंत्रण होता है पूरा का पूरा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार कहेगी वो इनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर असंगठित क्षेत्र की, जिसके ऊपर में प्राइवेट के हाथों में होता है ये, तो ये क्या होगा, ये छोटी इकाइयां होती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। ठीक है, यहां पर अगर कोई रूल और रेगुलेशन सरकार बोलती है ना, तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं एक तरह से वो दिखावा करेंगी, या तो करने का या उसका अनुपालन नहीं करेंगी। इसमें नियम और कानून होते हैं लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर पता चल गया होगा संगठित क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं और कैसे काम उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे आप असंगठित क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, तो असंगठित क्षेत्र में आपका आएगा प्राइवेट स्कूल हो गया, ठीक है, कंपनियां हो गई, और भी जैसे पतंजलि कंपनी हो गई, तो ये सारी क्या है, ये सारी है, ये सारी जो हो गई आपकी प्राइवेट से आप इसको ले सकते हो। और यहां पर जो है हम संगठित क्षेत्र में क्या लेंगे, संगठित क्षेत्र में आपके जो हो गए, जो सरकारी हो गए, ठीक है, वह क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं। तो ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र नाम से ही पता चल रहा है, और निजी क्षेत्र ये भी नाम से पता चल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा, सबके लिए होगा, और यहां पर जो नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। जो निजी क्षेत्र होगा उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, वो निजी लोगों के हाथों में होता है, पर्सनल होता है, निजी व्यक्तियों के हाथों में। ठीक है, यहां हम समझते हैं इसको, इस क्षेत्र में सरकार द्वारा
संपत्ति का जो मालिक होता है, सरकार इसकी संपत्ति का क्या हो गया, मालिक हो गया, और सभी सेवाएं जो है वो सरकार प्रदान करेगी। लेकिन निजी क्षेत्र में क्या होता है, संपत्तियों और सेवाओं का जो वितरण होता है इस क्षेत्र के स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है या जिनकी वो कंपनी है उनके हाथों में होता है। ठीक है, यहां पर हम नेक्स्ट समझते हैं। अब आपका बुनियादी सेवाएं, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुनियादी सेवाएं का मतलब होता है बेसिक सर्विस, ठीक है, यानी वो सेवाएं जो कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, तो कुछ हो या ना हो, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में हॉस्पिटल तो होना जरूरी है। ठीक है, स्कूल होना जरूरी है, तो ये ऐसी सेवाएं हैं जो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो बुनियादी सेवाएं होते हैं। यहां पर आप समझिए, जैसे अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गए जो पहले हुआ करते थे, टेलीग्राम सेवाएं, पुलिस स्टेशन भी हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, अदालत जरूरी है, रक्षा, बैंक, बीमा बीमा कंपनी, ये सारी जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं ऐसी है कि अगर ये सेवाएं नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। तो ये सेवाएं होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए इन्हें बुनियादी सेवाएं वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वो है मनरेगा। ठीक है, इसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें लोगों को रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और वो भी किस लोगों को, गांव के लोग, ग्रामीण रोजगार अधिनियम है। ठीक है, तो यहां पर इसको समझते हैं, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, ये भारत में लागू किया जाता है रोजगार गारंटी योजना, यानी कि लोगों को रोजगार देना है और गारंटेड उनको रोजगार देना है, और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आइए समझते हैं, इसे 25 अगस्त 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसे ये योजना जो है दोस्तों, ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष को, वित्तीय वर्ष सबसे पहले तो आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों, ये ऐसा वर्ष होता है जो हर एक साल आता है। ठीक है, और वित्तीय मामले यानी पैसों से रिलेटेड हिसाब किताब के आधार पर ये होता है, और ये क्या है, प्रत्येक 1 अप्रैल को, यानी ये शुरू होता है 1 अप्रैल को। ठीक है, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये खत्म होता है, 31 मार्च को ये खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी की अगर हम बात करें तो ये 2020 जो चल रहा है, इसमें 1 अप्रैल को ये चालू हो गया होगा। ठीक है, इसकी गणना 1 अप्रैल को चालू हो गया होगा स्टार्टिंग, और अगले साल की 31 मार्च को इस पूरे बीच का हिसाब किताब जो है वो लगाया जाएगा। ये वित्तीय वर्ष होता है। इसमें से किसी भी ग्रामीण परिवार को, तो उस ग्रामीण परिवार का जो एक सदस्य होगा जो कि वयस्क होगा, उसी को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत। ऊपर से हम बात करते थे कुछ और पॉइंट, अगर सरकार अपने रोजगार प्रदान नहीं कर पाया, अगर वो काम देने में विफल रहा, यानी कि वो सफल नहीं हो पाया कि सबको 100 दिनों का रोजगार वो प्रदान जो है वो करेगी, ठीक है, हर परिवार के एक वयस्क आदमी को, तो फिर वो क्या करेगी सरकार, तो लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम करेगी, और लोगों को क्या देगी, उन लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो देंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि है संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए मान के चलो आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और वहां पर आपको सैलरी जो है वो वहां पर आपको मिलती है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए सैलरी है, लेकिन उसी समय आप सोचते हैं मुझे यहां पर काम नहीं करना, 50,000 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाओगे। ठीक है, और उस नौकरी में आपको यहां से ज्यादा रुपए दे रहे होंगे, तो इन अब यहां से आपने काम छोड़ दिया, और इसके बीच का जो समय है, इसके बीच यहां पर आपको नौकरी लग भी जाएगी, इससे ज्यादा पैसे भी हो जाएंगे, लेकिन यहां के जो बीच का समय रह गया उस समय तो आप बेरोजगार रहे, तो इसी का जो बीच का समय होता है इसको ही हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, आपको रोजगार यहां मिला हुआ है और बी पॉइंट पे भी आपको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन बीच का जो समय है आप वहां पर बेरोजगार रहे। ठीक है, यहां समझते हैं हम, एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाना चाहता है, इस दौरान लगने वाला समय वो बेरोजगार रहता है,
इसे ही संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सिंपल था। नेक्स्ट समझते हैं हम यहां पर, वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु ये दोनों ही बहुत अच्छे समझना है, आप यहां पर ध्यान दीजिए। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है दोस्तों, जो बिल्कुल मध्य में हो, यानी आप समझ सकते हो कि वो तैयार ना हो। जो अंतिम वस्तु होती है वो फाइनल गुड्स होता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु, देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो हमें चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनाई हमने, अब हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यहां पर चाहिए दूध, ठीक है, और यहां पर चाहिए हमें चीनी या चाय पत्ती। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो बीच का है यहां पर, ये हो गया दूध और जो चीनी हो गया ना, ये हो गई आपकी मध्यवर्ती वस्तु। और इन दोनों को जो सामान को हम जोड़ के बनाएंगे चाय, जो चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी, वो होगी आपकी अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु का यहां पर समझते हैं पॉइंट। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका क्या मतलब है, मध्यवर्ती वस्तु जो होती है ना, उनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उसका काम आता है। जैसे मध्यवर्ती वस्तु दूध हो गई, और बन क्या रहा है सामान, बन रहा है चाय, तो उसके बीच का क्या है, वो कच्चे माल के रूप में वो प्रयोग हो गई। दूध क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर समझते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं चाय के शॉप का, जहां पर जो है चाय पिलाई जाती है, दुकान है, तो वहां पर जो दूध है वो दूध कितने का आया, वो दूध 20 रुपए का आया, ठीक है, चीनी आया, तो क्या इन दोनों का जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, नहीं, इनका प्राइस फिक्स नहीं रहेगा। दूध जो 20 रुपए में आया है वो उसको फायदा देगा, जो चीनी आई है वो उसको फायदा देगा। यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है ना, उनकी मूल्य निर्धारित नहीं होती, उनके मूल्य में वृद्धि की जानी है, ठीक है। अब यहां पर हम समझ जाते हैं जो है अंतिम वस्तु के ऊपर। जो अंतिम वस्तु है दोस्तों, ये होती है फाइनल गुड्स, यानी कि पूरी तैयार हो चुकी है आपकी वस्तु, ठीक है। अंतिम वस्तुओं का जो उपभोग होता है वह अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। यानी जो अब चीज बन गई है उसको आप क्या बनाओगे, उसको तो हम कुछ नहीं बना सकते। जैसे चाय है, चाय बन गई, तो अब ऐसी कोई चीज है जिसमें चाय बनाकर ही कुछ बनाया जाता है, नहीं, ठीक है। तो चाय फाइनल गुड्स हो गई, इसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो जो फाइनल गुड्स होती है उसे कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात इसकी है, वह अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। अब देखो, जो चीज बन गई फाइनल गुड्स, जैसे चाय हमारी पूरी तैयार हो गई, तो अब इसका जो रेट होगा वो रेट चेंज नहीं होगा, वो रेट फिक्स हो चुका है। चाय बन गई, उस दुकान वाले ने जितने भी चाय बनाई, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम जाएंगे तो वो 10 रुपए कप देगा चाय, ठीक है। दूसरे कोई बंदा जाएगा तो वहां भी 10 रुपए उसको कप देगा चाय। यानी जो चीज बन चुकी है उस चीजों का मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड्स का जो मूल्य में वृद्धि है वो नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 जो आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो आपको तो वीडियो को आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हो आपको जो वीडियो है वो कैसी लगे। यहां पर जो है कमेंट आप जरूर कीजिए, लाइक कर सकते हो आप, साथ ही आप शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियो को, साथ सब्सक्राइब कर दे, इससे क्या होगा जो नई वीडियो होगी ना वो आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।